एक एनआरआई महिला दुबई से आती है 10 दिन पहले ही। उसकी किसी से ना कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई किसी तरीके का विवाद, लेकिन वो अपने फ्लैट में मृत पाई जाती है। पति उस समय दुबई में ही है और उस महिला का, मायका जो है वो इंडिया में है और वो अपने मायके में आई हुई है, और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक उडुपी शहर की घटना है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो महिला जिसकी मैंने बात की है अभी, ये दुबई से आई थी 10 दिन पहले ही और अचानक से अपने फ्लैट में मृत पाई जाती है। एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको पसंद आए तो आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो घटना है ये कर्नाटक के उडुपी शहर की है, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया, मरने वाली जो है वो 35 वर्षीय विशाला गन्नीगा थी। वारदात 12 जुलाई की है, 12 जुलाई 2021 की। उस दिन विशाला मायके से बैंक के काम के सिलसिले में निकली थी। उन्होंने अपने मम्मी पापा को कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे, लेकिन कई घंटे के बाद भी वो वापस नहीं लौटी। घर वाले परेशान होने लगे, उन्होंने विशाला को कॉल किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। माता पिता को लगा कि कहीं वो अपने पति रामकृष्णा गनिगा के फ्लैट पे तो नहीं चली गई, क्योंकि उस समय रामकृष्णन तो दुबई में थे, लेकिन फ्लैट की चाबी विशाला के पास भी है। यही सोच के परिवार के लोग फ्लैट में पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर ज़रा सा धक्का लगाया तो दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि वो अंदर से बंद नहीं था। वो लोग अंदर घुसते हैं और अंदर का नज़ारा देख करके उनके होश उड़ जाते हैं। विशाला सामने मृत पड़ी हुई थी, गले से तार लिपटा हुआ था, सोने की चेन, अंगूठी, कंगन, पूरी ज्वेलरी गायब। घर वाले समझ गए कि किसी ने तार से गला घोट के विशाला को मार दिया है। लेकिन हत्या क्यों की, इसकी क्या वजह रही होगी, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सोच करके पुलिस वालों को घर वालों ने सूचना दी, और कुछ ही देर के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। चूंकि मामला एनआरआई महिला का था, लिहाजा पुलिस ने उसको काफ़ी सीरियसली लिया, काफ़ी गंभीरता दिखाई पूरे मामले में। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और उन्होंने देखा कि टेबल पर चाय के 2 कप पड़े हुए हैं, घर के कुछ सामान बिखरे हुए हैं, विशाला ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी सब गायब है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुलिस को शक हुआ कि ये वारदात लूटपाट के इरादे से हुई है। लेकिन फिर चाय के 2 कप वहाँ क्यों, इस सवाल ने पुलिस को कुछ सोचने पे मजबूर किया। क्योंकि अगर कोई लूट के इरादे से घर में आया है तो उनको चाय क्यों पिलाई जाएगी, और ये भी दिखाई दे रहा है कि चाय कुछ ही घंटे पहले बनाकर दी गई है, किचन में देखा जाता है, तो ये बात साबित हो जाती है कि कातिल जो हैं उनकी संख्या एक या दो होगी और वे विशाला के पहचान वाले ही होंगे। ऐसा भी क्योंकि अदरवाइज तो विशाला उनको चाय नहीं पिलाती। अब ये सारे जो सामने दिखाई दे रहे थे चीज़ें, बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने, आखिर कातिल कौन। लिहाजा उडीपी के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने सबसे तेज तरार पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई। सभी पहलुओं पे बारीकी से जांच होती है, घर वालों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि विशाखा अपने पति रामकृष्णन के साथ दुबई में रहती थी और इनकी एक बेटी भी है। ये लोग इसी साल मार्च 2021 में ही उडुपी आए थे दुबई से, और यहाँ पर ये लोग ब्रह्मावार इलाके में एक फ्लैट में रहते थे।
जबकि विशाला के पेरेंट्स यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे एक दूसरी सोसाइटी में रहते हैं। कुछ दिनों तक ही विशाला की फैमिली यहाँ रुकी थी। इसके बाद माँ बेटी और पति तीनों दुबई चले गए थे। दुबई से 2 जुलाई को विशाला और उसकी बेटी इंडिया आए, जबकि उनके साथ उनके दामाद नहीं आए थे, यानी कि विशाला के पति साथ में नहीं आए थे। इसके बाद 12 जुलाई को विशाला का कत्ल हो जाता है। इसमें ना तो किसी से कोई दुश्मनी ना कोई विवाद, तो पुलिस भी सोच रही थी कि आखिर इसकी वजह क्या है। पुलिस ने विशाला की कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि विशाला की उसके पति से ही आखिरी कॉल हुई है, आखिरी बार बात हुई है। पुलिस ने लोकेशन भी निकाली तो पता चला कि विशाला जिस बैंक में जा रही थी वहां जाने से पहले ही फ्लैट की तरफ लौट आई थी। ये उसके फोन से लोकेट हो गया और लौटने की डायरेक्शन भी तभी बदली जब फोन पर पति से बात होती है, यानी कि पति ने फोन पर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद विशाला अपने पति वाले फ्लैट पे आ जाती है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस को विशाला के पति से भी पूछताछ करनी जरूरी हो गई थी। इसी बीच पत्नी की हत्या की खबर सुन के ऑब्वियसली पति दुबई से इंडिया आ गए और अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने रामाकृष्णन से पूछताछ की। तब उसने बड़ा अजीबोगरीब सा जवाब दिया, एकदम से गोलमोल सा। इससे पुलिस को थोड़ा शक होता है, लेकिन आखिर पता कैसे लगाया जाए। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल की भी जांच की, जिससे पता चला कि 12 जुलाई को रामकृष्णन ने दुबई से यूपी के गोरखपुर में रहने वाले एक शख्स को व्हाट्सएप कॉल की थी। इसके बारे में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आखिरकार विशाला का पति टूट गया। नॉर्मली आप जानते हैं जो क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं होते, जो घर परिवार वाले लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी पुलिस के सामने टूट जाते हैं। उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी पे शक था, इसलिए वो कई महीने से बीवी की हत्या करना चाहता था और इस मर्डर की जो स्क्रिप्ट थी उसने मार्च में ही तैयार कर ली थी। उस समय जब वो इंडिया आया हुआ था उसने कहीं से सुपारी किलर के बारे में पता लगाया, तब गोरखपुर के रहने वाले स्वामीनाथ के बारे में उसे पता चलता है। और इसके बाद रामकृष्णन ने स्वामीनाथ और उसके एक साथी से मुलाकात की, फिर बीवी के कत्ल का सौदा जो है 5 लाख में तय होता है। और विशाला के पति ने 2 लाख रुपया जो सुपारी लेने वाला बंदा था उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा दिया और कहा कि जब वो दुबई में रहेगा तभी हत्या होनी चाहिए, जिससे कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसे डर था कि वो सुपारी किलर जो है उसी को कहीं उसका नाम ना आ जाए। दोस्तों, पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई कि मार्च 2021 में रामकृष्णन परिवार के साथ इंडिया आया था, तभी पत्नी से दोनों सुपारी किलर की मुलाकात कराई थी। हालांकि उस समय पत्नी को ये नहीं पता था कि ये उसी के कातिल होंगे कल को, और उसने उन्हें अपना पुराना दोस्त बताया था और कहा था कि मेरे नहीं रहने पर कोई ज़रूरत पड़े तो इन लोगों से मदद मांग लेना। और इसीलिए घटना वाले दिन 12 जुलाई को दोनों सुपारी किलर जो हैं ओडीपी में ही आ गए। और विशाला जब बैंक जा रही थी तभी उसके पति रामकृष्णन का फोन आता है, वो उसे कहता है कि वो फ्लैट पे जाए क्योंकि उसके दोस्त कोई गिफ्ट पार्सल लेकर के आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप उनसे मिल लेना और पार्सल ले लेना। इसलिए विशाला उस दिन रास्ते से ही लौट कर फ्लैट आ गई थी। फ्लैट में आने के 10 मिनट के बाद ही दोनों सुपारी किलर एक सामान लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। और जाहिर सी बात है, जब पति के दोस्त हैं तो विशाला ने उनको चाय के लिए पूछा, उनके लिए चाय बनाई, उन्हें चाय पिलाई। दोनों ने पहले चाय पी और उसके बाद तार से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। विशाला को नहीं पता था कि जिनके लिए वो चाय बना रही है वो दरअसल उसके हत्यारे होने वाले हैं। और घटना के बाद दोनों ने उसकी ज्वेलरी लूट ली, घर का सामान भी घेर दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई सुपारी किलर वहाँ आया है। उन्होंने घटना को लूटपाट का रंग देने की कोशिश की।
लेकिन वो एक चूक कर गए। उनका ध्यान जिन कप में उन्होंने चाय पी थी उधर नहीं गया। इसी से पुलिस को सुराग मिला पूरे मामले का, और कर्नाटक पुलिस ने एक हफ्ते तक यूपी के गोरखपुर में दबिश दी और वहाँ से जो मुख्य सुपारी किलर था स्वामीनाथ उसको गिरफ्तार किया। और इसकी गिरफ्तारी में गोरखपुर पुलिस ने भी अपना अहम रोल निभाया और कर्नाटक पुलिस के साथ मिल करके कार्रवाई की। और इस तरीके से ये जो मामला है NRI महिला का, ये खुलता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक छोटी सी वजह, शक के कारण उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। ये उसका कहना है कि उसे शक है, लेकिन अगर शक भी है तो क्या एक यही रास्ता बचता है? इस पाप से बचने के लिए उसके पास रास्ते और भी थे, तो उसने यही रास्ता क्यों अपनाया? दोस्तों, आपके सामने मैंने पूरी बात रखी है, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसको केवल यही एक रास्ता क्यों समझ में आया कि मैं उसको किसी सुपारी किलर से रास्ते से हटवा दूँ। और एक बात और, आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।